इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन, फिर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े थे, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन पढ़े थे, फिर इसका रिलेटेड हम लोग पढ़े थे किससे, मोलारिटी से। इसमें हम लोग कहाँ तक डिराइव किए थे, इक्वेशन वन हमारा मिला था वहां तक डिराइव किए थे। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग उसी का टॉपिक में देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ही। इसमें हम लोग केबिक का वैल्यू तक गए थे, केबिक तक गए थे हम लोग कि केबिक क्या था, प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन था, मोलर एलिवेशन क्वेश्चन था, और उसको बोलते थे इबिलियोस्कोपिक क्वेश्चन। अब उसका हम लोग यूनिट देखते हैं किसका, यूनिट ऑफ केबी। हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसका यूनिट ऑफ केबी, तो यूनिट ऑफ केबी। तो इसमें हमारा एक इक्वेशन आया था, इक्वेशन क्या आया था आपका, इसमें हमारा इक्वेशन आया था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी, क्या था मोलालिटी। और ये इक्वेशन हमारा क्या था, वन था। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर केबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल पर केजी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल, क्या होता है केल्विन केजी पर मोल, क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। वी नो दैट मोलालिटी बराबर होता है डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। इक्वेशन क्या हो गया टू। हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन में हमारा क्या है डेल्टी बी बराबर के बी इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे थ्री, क्या मान लेंगे थ्री, वेयर जहां डब्ल्यू बी बराबर मास ऑफ सोल्यूट बी, इन किस में ग्राम में, ये मास ऑफ सोल्यूट बी जो होता है ग्राम में होता है, ये एम बी बराबर क्या होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट बी इन ग्राम पर मोल, इसका यूनिट क्या होता है पर मोल। डब्ल्यू ए बराबर क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट ये, इन किस में ग्राम में। इफ आगे हम लोग देखेंगे, इफ यदि डब्ल्यू बी बाय एम बी इक्वल टू वन मोल, वन मोल क्या होगा ये सोल्यूट होगा, क्या होगा सोल्यूट, एंड डब्ल्यू ए बराबर 1000 ग्राम, ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट, क्या होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेल्टी बी बराबर क्या होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए। इसका वैल्यू जल्दी हम लोग डब्ल्यू बी बाय एम बी का वैल्यू वन मोल ले ले, और डब्ल्यू ए का वैल्यू हम लोग 1000 ग्राम ले ले, 1000 ले ले, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी, क्या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी,
अब आगे इसका हम लोग क्या देखेंगे, केवी का डिफिनेशन। हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, केवी का डिफिनेशन। तो यहाँ देखेंगे दस दी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट बी इज डिजॉल्व इन वन केजी सॉल्वेंट ये इज कॉल्ड दी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ दी सॉल्वेंट ये, इसको हम लोग बोलते हैं केवी। दी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सॉल्वेंट ये इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट बी। तो इसमें जो बोला है दस इस प्रकार से द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है कब, व्हेन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट बी इज डिजॉल्व इन वन केजी सॉल्वेंट ये इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट ये, कि जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है कब, जब एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट भी जब डिजोल्व करते हैं वन केजी सॉल्वेंट ये में, उसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। अब मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसका जो फीचर होता है ऑफ द सॉल्वेंट ये, इसका जो फीचर होगा सॉल्वेंट ये का, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। कौन, केवी का वैल्यू, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर। आगे इसमें हम लोग देखेंगे केवी का जो रिलेशनशिप होता है, थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, जो केवी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट ये इज गिवन बाय द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक
रिलेशनशिप तो इसका जो रिलेशनशिप जो होता है आपका के बी इक्वल टू जो होता है आर इंटू टी बी नोट का स्क्वायर इंटू एम ए बाय 1000 इंटू चेंज इन वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा आपका 4। अब इसके टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि आर क्या है, टी बी नोट क्या है, एम ए क्या है, ये टर्म क्या है, जहां पर आपका क्या है आपका कि आर जो है यूनिवर्सल मोलर गैस कॉन्स्टेंट है। आर क्या है आपका यूनिवर्सल मोलर गैस कॉन्स्टेंट और इसका जो वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और इसको यदि हम लोग कैलोरी में बात करते हैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। आर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। और आपका जो होता है टीबी नोट बराबर जो होता है वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये एमए बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो है आपका इसको पढ़ते चेंज इन स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन, क्या लिखेंगे इसमें हम लोग चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये अब हम लोग बात करेंगे फॉर वाटर एज ए सॉल्वेंट। यदि हमारा वाटर क्या होता है सॉल्वेंट होता है तो इसमें भी बताए थे कि केवी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आर इंटू टीबी नोट का स्क्वायर इंटू एम ए बाय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000 इंटू चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड मोलर इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आगे इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ के बी बराबर लिख सकते हैं आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टीबी नोट क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है इसका कितना होता है 373 केल्विन स्क्वायर इंटू एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 केजी पर मोल। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1000 और इसका जो वैल्यू होता है वाटर के लिए 40,660 जूल पर मोल, ये वैल्यू हो गया। अब केजी यहाँ ग्राम होता है लेकिन केजी क्यों है क्योंकि यहाँ 1000 लगा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देयर फोर के बी बराबर जो वैल्यू आ जाएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये वैल्यू हो गया किसके लिए के बी के लिए, फोर किसके लिए वाटर के लिए। ये हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है याद रखना पड़ता है ये वैल्यू। ये सॉल्वेंट के लिए यदि एक्वस बोला जाए वाटर बोला जाए
तो इसका केवी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0.52 केल्विन केजे पर मोल, केल्विन केजे पर मोल। इसमें दूसरा थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला होता है जो केवी बराबर होता है, दूसरा फॉर्मूला कि केवी बराबर होता है आर आर इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलवी। एक क्वेश्चन हम लोग क्या मानेंगे 5। एक यहाँ नया टर्म आ गया जहां पर आपका क्या है एलवी बराबर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट ये पर ग्राम, और इसका वाटर के लिए जो वैल्यू होता है फॉर वाटर के लिए, इसके लिए फॉर वाटर के लिए एलवी का जो वैल्यू होता है 540 ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। यदि हमारा फॉर वाटर एज ये सॉल्वेंट, तो इस फॉर्मूला से हम लोग फिर केवी का वैल्यू निकाल सकते हैं। केवी बराबर क्या आर इंटू टीवी नोट का स्क्वायर बाय क्या 1000 इंटू एलवी, 1000 इंटू एलवी। तो इसमें अब आगे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, केवी बराबर यहां पर हो जाएगा 2 केजी कैलोरी पर मोल पर केल्विन इंटू 373 केल्विन के स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू 540 कैलोरी। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो केवी का जो वैल्यू आ जाएगा फिर से 0.52 केल्विन केजी पर मोल। इस फॉर्मूला से भी केवी का वैल्यू वही आ गया किसके लिए वाटर के लिए। ये फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं किसके लिए केवी का वैल्यू, किसके लिए केवी का वैल्यू इफ, आगे हम लोग बात करेंगे इफ डब्ल्यू ए इज एक्सप्रेस्ड इन केजी, एक्सप्रेस्ड इन केजी इक्वेशन 3 बिकम्स, हम लोग इक्वेशन 3 को लिख सकते क्या डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1 बाय डब्ल्यू ए। इक्वेशन 6 क्या हो गया इक्वेशन 6, यदि हमारा डब्ल्यू ए का वैल्यू केजी में लेते हैं तो इक्वेशन 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डेल टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1 बाय डब्ल्यू ए। कब जब हम लोग डब्ल्यू सॉल्वेंट का जो वैल्यू लेंगे सॉल्वेंट ए का किस में लेंगे केजी में, और ग्राम में लेते थे तो डब्ल्यू ए बाय यहाँ 1000 बाय क्या हो जाता था डब्ल्यू ए, लेकिन केजी में लेंगे तो यहाँ पर 1000 नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का। थैंक यू।